लिया है। अब ये करेंसी मेरे नेपाल में यूज होने वाली है। अब इसके आगे होगी? अभी नहीं हुई है, जा रही एंट्री। देख लो मंजू, ये बॉर्डर। ये नेपाली 550 का, नेपाली 550। इंडियन 350 का? इंडियन 350 हुआ। ठीक है चलो, हो गया। अभी हम हर जगह जा सकते हैं ना? आप कहीं भी। तो मैं हिंदी नहीं जानता? नहीं। इंग्लिश जानता? नहीं। कर्णाली तो अझै छ, यति दूर छ। अगाडि नै छ, धेरै अगाडि छ। ये एक लीटर नहीं है? एक लीटर। कितने का है ये? ये 90 रुपये। 90 रुपये का? इतने में तो कुछ होना नहीं है। बहुत ठीक है, दो ला दें। एक और दे दो इसका आप। हम लोग को भूख लगी हुई है, लेकिन टोटल यहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, तो मंजू प्रेफर नहीं कर रही है। आगे लगा दो, आगे सब बढ़ा दो। अंदर आने के बाद बहुत सारे लोग हिंदी समझते नहीं हैं और हमें नेपाली समझ नहीं आती है, तो बस काम चलाऊँ, काम हो जा रहा है। जयशो कुरकुरे की डिमांड कर रही है, उसको कुरकुरे लेके दे देता हूँ, क्योंकि हम तो कोल्ड ड्रिंक और पानी पी लेंगे। और बच्चे काफ़ी देर से भूखे हैं और आज कुछ खाया भी नहीं उन्होंने, तो टोटल यहाँ पे नॉनवेज ही मिल रहा है। जिधर देखो मोमोज नॉनवेज, चाओ चाओ नॉनवेज, माओ माओ नॉनवेज, सब कुछ नॉनवेज है। क्या हो गया भाई साहब? सीटिंग सीटिंग इसका सेटिंग खराब हो गया। कहाँ से जो है आए हैं, पधारे? मैं आया हूँ मुंबई से। तभी यस हम कर्णाली चिसा पानी में आने भेजे में धीरे धीरे धन्यवाद र स्वागत छ। तपाईं चाहिँ अर्को वर्षमा पनि आउँदै गर्नु होला, इन्जोय गर्न। अरू साथीहरूलाई हाम्रो यस नेपाल क्षेत्र कर्णाली चिसापानी पर्यटक क्षेत्रमा यहाँको कर्णाली नदी अनि यहाँको पहाडहरू प्राकृतिक, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछु। अच्छा, किस मौसममा यहाँ पर आना चाहिए? मजा किस मौसम ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर? यहाँ चाहिँ तपाईँको असलीमा यो जनवरी फरवरी, यहाँको पुष माघ, पुष माघमा। ओके, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में चाहिए यहाँ आउनुस। यहाँ चाहिए हावा, बहुत प्राकृतिक हावा चाहिए सर। आपको क्या हो गया? एक पानी कितने का दिया था? 90 रुपए की एक टूटी दी है। 80 रुपए की? 80 रुपए? 90 रुपए की, 1880 की। हाँ, तो यहाँ का 90 रुपए कितना हो गया हमारा? सुनो तो, 90 रुपए की ये हुई तो 9×2=1880 हो गया। 25 का पानी, 25 का पानी, 25 का पानी दिया, 205 हो गया। तो 205 हो गया, 300 का काटे उसने, 300 का काटे, 300 वापस किया उसने। देखो 100, 2, 3 और 3.5 कुरकुरे, सॉरी 1, 2, 3, 4 4.5। ठीक है, पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पर। नेपाल में कर्णाली ब्रिज है, वहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ का व्यू इतना प्यारा है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हम लोग थोड़ा आगे आए, नीचे एक नदी है, नदी पर बैठ के बहुत अच्छा लगेगा और चारों तरफ का नज़ारा तो देखने लायक है। अभी बारी है फोटोशूट की। पहाड़ ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट में। थोड़ा सा कैमरे को मैं करता हूँ वाइड एंगल पे, फिर देखिएगा कितना मस्त व्यू आ रहा है। अभी अभी दिख रहा होगा कि कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। पीछे लाइट कितनी प्यारी है ना, अगेंस्ट लाइट खींच रहे हो, कभी फोटो अच्छी आएगी नहीं। इधर से खींचना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी तो हमने सोचा कि रिवर में उतरने से पहले एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा स्क्वैक स्क्वैक कर लेते हैं, ये पूरा बीच की तरह है ना। हाँ। अभी हो गई और अभी टाइम आ गया है पैसा देने का। 225। अभी आपको मैंने 500 रुपीज दिया, 50 माइनस, ये आपने मुझे 100 रुपीज दिया ना। डिस्काउंट दे दिया 10 रुपये का, थैंक यू भाई साहब ने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 500 रुपीज़ मुझे वापस किया। तो सुनो तरुण, तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ बेटा, मैं नीचे जा रहा हूँ ना।
गड्ढा है वो, बैठ जाता है कभी कभी। इधर से आओ। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? हम रेत के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आज बच्चों ने आनंद ले लिया, बहुत ज़्यादा मज़े ले लिए। कुछ लोगों ने लेकिन बॉटल्स वगैरह बीच पर फेंक दिया है ना, जिसकी वजह से बहुत ही ये डेंजरस आए ऐसी जगहों पर, ये आइसोलेटेड प्लेसेस हैं और इनका रखरखाव हम ही को करना है। तो जब भी इस जगह पर आएँ तो बहुत ही सेफ्टी के साथ इस जगह को यूज करें और थोड़ा सा देखें और बॉटल कांच वगैरह ना फेंकें, क्योंकि बच्चे नंगे पैर दौड़ते हैं यहाँ पर। समय बज रहा है 4:01 और रास्ता है पूरा जंगल का, तो हम चाहते हैं कि हाँ शाम होने से पहले जंगल को क्रॉस कर लूँ। बेटा पैर पर को चढ़ाई बहुत लंबी है, एक एक पत्थर पर सोच सोच के ना पड़ रहा है, बहुत हेक्टिक हो गया। ज़्यादा दूर नहीं जाना था लेकिन पत्थर क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है, कांच भी जगह जगह पड़ा हुआ है बच्चों के लिए, डर था जयश्री को तो खैर इसके पापा ने ले लिया। रहा हूं। इतने थके हुए हैं लेकिन बच्चे को गोद में लेके आए हैं कि उसको तकलीफ ना हो। मजा आ रहा है लेकिन मंजू। हाँ हवा देखो। आराम से चलो। थक गया तरुष? नहीं तरुष हमारा वीडियो शूट कर रहा है बेटा। अच्छे से देखने क्या है, क्या क्या है यहाँ पे, हम देख सकते हैं, घूम सकते हैं? हाँ। कहाँ घूम सकते हैं नेपाल में? नेपाल में काठमांडू, हाँ, बुटोल, भैरवा। रिसोर्ट है, सही रिसोर्ट। अच्छा रिसोर्ट है। कुछ उस तरह जो पत्थर है उस साइड के जैसे उधर पड़े हुए हैं, ऐसे में हम लोग बैठ नहीं सकते क्या कहीं? आगे है ना बैठने के लिए ऐसे पत्थर वाले बड़े बड़े हैं सर। कितनी दूर है यहाँ से? चलिए फाइनली फोटो शूट हो गया, मेरा हो गया, जयश्री का हो गया, तरुष का हो गया। हाँ सॉरी तरुष का नहीं हुआ क्योंकि DSLR की बैटरी हमारी लो हो गई, तो सूरज गोस्वामी गए हैं DSLR की बैटरी लेने के लिए। अगर बैटरी चार्ज हुई तो सूरज तरुष की फ़ोटो खींची जाएगी, अदरवाइज तरुष की फ़ोटो रह जाएगी आज। एक्चुअली ये पूरा जंगल एरिया है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तय कर रखा है कि हमारी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो वही वो सेट कर रहे हैं कि स्पीड लिमिट वो सेट कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ अब स्पीड लिमिट के लिए, टाइमिंग डलवाने के लिए अपने गाड़ी के पेपर पर। तो गाइस अभी हम लोग नेपाल से निकल गए और हमारे देश इंडिया में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, तो आज के लिए बाय बाय, तब तक के लिए हमारे व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कमेंट पे लाइक करना बाय बाय। व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्लॉग को लाइक करना है।
see you next day today.